So we were studying about drugs used in respiratory disorders. और respiratory disorders के अंदर हमने cough के बारे में cover कर लिया है. और उसके अलावा हमारे पास जो next disorder आता है, that is asthma. Asthma की treatment के अंदर हमने दो classes of drugs cover कर लिए. सबसे पहले हमने bronchodilators के बारे में पढ़ा था. और secondly हमने glucocorticoids के बारे में पढ़ा था. Glucocorticoids के बाद जो हमारे पास next class of drugs आती है, that is mast cell stabilizers. अब जो mast cell stabilizers होते हैं, इनका हमारे पास क्या function होता है? Basically इनके नाम से clear है, ये हमारे पास mast cells जो produce होते हैं, उनको हमारे पास उनके ऊपर action दिखाते हैं। तो अब asthma के patients जो होते हैं, उनके अंदर mast cell का क्या function होता है? अब mast cell हमारी body का जो defense mechanism है, जो immunity है, उसका part है। तो हमारी body क्या करती है? किसी इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास बॉडी मास्ट सेल की प्रोडक्शन करती है, जो कि हमारे पास फर्दर इंटरमीडिएट्स को रिलीज करवाते हैं, जो हमारे पास इन्फ्लेमेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास अस्थमा जो है वो हमारे पास कंसनट्रेट, हमारे पास जो अस्थमा का डिसीज है वो हमारे पास ज़्यादा सिवियर हो जाती है. तो अब मास्ट सेल स्टेबिलाइजर्स के अंदर हमारे पास जो सबसे पहला एजेंट आता है, दैट इज सोडियम क्रोमोग्लाइकेट. अब जो सोडियम क्रोमोग्लाइकेट हमारे पास एजेंट है, ये हमारे पास उस अस्थमा के अंदर यूजफुल है जो हमारे पास एलर्जी की वजह से हुआ है, जिस पेशेंट को एलर्जीज की वजह से, अभी कुछ पेशेंट्स को हमारे पास डस्ट से एलर्जी हो जाती है, या फिर हमारे पास जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं उनसे एलर्जी हो जाती है, तो या फिर हमारे पास किसी इन्फेक्शन की वजह से हमारे पास एलर्जी हो जाती है. तो एलर्जी की वजह से जो हमारे पास अस्थमा कॉज होता है, उसकी ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास जो मास्ट सेल स्टेबिलाइजर्स होते हैं वो यूजफुल होते हैं. और उसके अंदर हमारे पास सबसे पहला जो एजेंट आता है, दैट इज सोडियम क्रोमोग्लाइकेट. सो सोडियम क्रोमोग्लाइकेट इज यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा दैट इज कॉज्ड ड्यू टू एलर्जी. तो एलर्जी की वजह से जो हमारे पास अस्थमा कॉज होता है, उसकी ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स यूजफुल होते हैं. अब जो हमारे पास ब्रोंकोग्लाइकेट है या मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स होते हैं, इनका हमारे पास कोई ब्रोंकोडायलेटर इफेक्ट नहीं होता. ये हमारे पास ब्रोंकियोल्स को डायलेट नहीं करते, लेकिन ये क्या करते हैं, हमारे पास मास्ट सेल का जो मेम्ब्रेन है उसको स्टेबलाइज कर देते हैं. और हमारे पास जितने भी हमारे केमिकल रेडिएटर्स हैं जिनका रिलीज होता है, जो हमारे पास अस्थमा के अटैक के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उन सब्सटेंसेस के रिलीज को प्रिवेंट कर देते हैं. अब जो सोडियम क्रोमोग्लाइकेट है, ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इनहेलेशनली हमारे पास ये जो एजेंट है ये हमारे पास एक्टिव होता है. और हमारे पास जो हमारे पास सोडियम क्रोमोग्लाइकेट एजेंट है, अब मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स के अंदर हमारे पास जो एजेंट हम पढ़ रहे हैं, सोडियम क्रोमोग्लाइकेट. सो सोडियम क्रोमोग्लाइकेट के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा, कि सबसे पहले तो ये हमारे पास उन पेशेंट्स के अंदर अस्थमा के ट्रीटमेंट के अंदर काम आता है जब अस्थमा का जो कॉज है वो हमारे पास एलर्जी है. सेकेंडली हमारे पास इसका ब्रोंकोडायलेटर इफेक्ट नहीं होता, ब्रोंकियोल्स को डायलेट नहीं करता. थर्डली ये क्या करता है, हमारे पास प्रिवेंट करता है मास्ट सेल के मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करता है और प्रिवेंट करता है केमिकल मीडिएटर्स के रिलीज का, जो कि हमारे पास अस्थमा के अटैक के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. और जो सोडियम क्रोमोग्लाइकेट होता है, फोर्थ पॉइंट क्या आता है कि सोडियम क्रोमोग्लाइकेट हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इनहेलेशनली इफेक्टिव होता है. इसकी वजह से या तो हमारे पास ये ओरल इनहेलेशन के थ्रू दिया जाता है, या फिर हमारे पास एक ओरल इनहेलेशन के थ्रू एरोसोल की फॉर्म में दिया जाता है, या फिर हमारे पास स्पिन हेलर आता है, जो हमारे पास मशीन, हमारे पास एक इनहेलर आता है, उसके हेल्प से हमारे पास सोडियम क्रोमोग्लाइकेट दिया जाता है. अब जो हमारे पास सोडियम क्रोमोग्लाइकेट है वो हमारे पास एज अ प्रोफाइलैक्टिक एजेंट भी यूज किया जा सकता है. अब प्रोफाइलैक्टिक एजेंट क्या होते हैं, हमारे पास वो एजेंट्स जो हमारे पास प्रिवेंशन के लिए यूज होते हैं, किसी ना किसी डिसीज की प्रिवेंशन के लिए जो हमारे पास
पास एजेंट्स यूज होते हैं, यानी कि अगर हमारा जो पेशेंट है वो किसी ऐसे कंडीशंस में जाने वाला है जहाँ पे उसको एलर्जी हो सकती है, तो वो पहले ही हमारे पास, और उसको एलर्जी की वजह से अस्थमा हो सकता, तो वो पहले ही हमारे पास किसी उस कंडीशन के अंदर जाने से पहले हमारे पास सोडियम थ्रोमोग्लाइकेट इनहेल कर ले, ताकि उसको हमारे पास अस्थमेटिक अटैक आए ना। अब इसके अलावा हमारे पास जो सोडियम थ्रोमोग्लाइकेट है वो आई ड्रॉप्स की फॉर्म में और ऑइंटमेंट की फॉर्म में नेजल इंसेफिलेशन के लिए, हमारे पास जो एलर्जिक राइनिटिस हो जाता है उसकी ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। हमारे पास बहुत कम साइड इफेक्ट्स है सोडियम थ्रोमोग्लाइकेट के, जैसे कि हमारे पास इरिटेशन कॉज करता है, थ्रॉट इरिटेशन, और ट्रांजिएंट ब्रोंकोस्पैज़म्स कॉज करता है। अब हमारे पास जो यूजेस है सोडियम थ्रोमोग्लाइकेट के, ये हमारे पास प्रोफाइलैक्टिकली यूज किया जाता है ब्रोंकियल अस्थमा की ट्रीटमेंट के अंदर, एलर्जिक राइनिटिस की ट्रीटमेंट के अंदर यूज किया जाता है, और एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस जो हो जाता है उसकी ट्रीटमेंट के अंदर भी हमारे पास सोडियम थ्रोमोग्लाइकेट यूज किया जाता है। सोडियम थ्रोमोग्लाइकेट के अलावा हमारे पास एक नीडोक्रोमल एजेंट आता है, जो कि हमारे पास सिमिलर इफेक्ट होता है मास्ट सेल स्टेबलाइजर सोडियम थ्रोमोग्लाइकेट के जैसा। नेक्स्ट जो हमारे पास इसके अंदर एजेंट आता है दैट इज नीडोक्रोमल के अलावा हमारे पास किरोटिफेन एक एजेंट आता है। अब जो किरोटिफेन एजेंट होता है और नीडोक्रोमल एजेंट है, ये दोनों हमारे पास, इनका एक्शन हमारे पास सोडियम थ्रोमोग्लाइकेट के जैसा है, लेकिन इनमें हमारे पास क्या डिफरेंस है कि जो हमारे पास नीडोक्रोमल और किरोटिफेन है, ये हमारे पास सोडियम थ्रोमोग्लाइकेट के जैसा इफेक्ट शो करते हैं, लेकिन ये ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, जो इनकी एफिकेसी है इन कंपैरिजन टू सोडियम थ्रोमोग्लाइकेट वो ज्यादा होती है। हमारे पास किरोटिफेन जो है ये हमारे पास मास्ट सेल को तो स्टेबलाइज करता ही है, उसके अलावा इसके अंदर हमारे पास एंटी हिस्टामिनिक इफेक्ट होता है, और ये हिस्टामिन का जो रिलीज है उसको भी प्रिवेंट करता है, लेकिन इसका हमारे पास किरोटिफेन का एंटी इंफ्लेमेटरी या फिर ब्रोंकोडायलेटरी इफेक्ट नहीं होता। हमारे पास किरोटिफेन जो है वो 1 to 2 mg का डोज जो है ट्वाइस इन अ डे यूज किया जाता है। सो दिस वाज जो हमारे पास थर्ड क्लास है जो मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स, मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स के अंदर हमारे पास तीन एजेंट्स है सोडियम थ्रोमोग्लाइकेट, नीडोक्रोमल और किरोटिफेन। अब सोडियम थ्रोमोग्लाइकेट, किरोटिफेन और नीडोक्रोमल, ये तीनों जो एजेंट्स है ये हमारे पास मास्ट सेल के मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करते हैं और प्रिवेंट करते हैं रिलीज से हमारे पास केमिकल मीडिएटर्स जो कि अस्थमा के अटैक के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो नेक्स्ट जो हमारे पास क्लास आती है दैट इज ल्यूकोट्रीन मॉडिफायर्स। अब जो ल्यूकोट्रीन मॉडिफायर्स है ये हमारे पास क्या करते हैं, ये ल्यूकोट्रीन पे एक्ट करते हैं। अब ल्यूकोट्रीन्स क्या होती है हमारे पास, ल्यूकोट्रीन्स हमारे पास ऐसे केमिकल मीडिएटर्स है जो स्पेसिफिकली हमारे पास इन्फ्लेमेशन के टाइम पे लिबरेट किए जाते हैं। सो जब हमारे पास हमारा जो सेल है वो इन्फ्लेम कर जाता है तब वो क्या करता है, ल्यूकोट्रीन की प्रोडक्शन करता है, और हमारे पास जो ल्यूकोट्रीन्स होते हैं वो हमारे पास फर्दर इन्फ्लेमेशन के लिए और भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और ल्यूकोट्रीन्स जो होते हैं वो हमारे पास जो हमारा हिस्टामीन होता है या फिर हमारे मास सेल्स हैं उससे ज़्यादा एक्टिविटी शो करते हैं, और ग्लूकोट्रीन्स जो होते हैं ये फर्दर हमारे पास ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और इसकी जो हमारे पास ग्लूकोट्रीन की वजह से जो हमारे पास ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होती है वो हमारे पास इन कंपैरिजन टू हिस्टामीन लॉन्गर एक्टिंग होती है, और हमारे पास जो ग्लूकोट्रीन मॉडिफायर्स हैं उनके अंदर हमारे पास ब्रोंको डायलेटरी इफेक्ट नहीं होता, लेकिन ये हमारे पास प्रिवेंट करते हैं ल्यूकोट्रीन का रिलीज, और हमारे पास ल्यूकोट्रीन का रिलीज प्रिवेंट करने के अलावा ये क्या करते हैं, हमारे पास जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हम यूज करते हैं अस्थमा की ट्रीटमेंट के अंदर उसका जो हमारे पास कंसंट्रेशन है उसकी हमारे पास कम यूज कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ल्यूकोट्रीन। तो अगर हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को ल्यूकोट्रीन मॉडिफायर्स के साथ कंजंक्शन में देंगे या एडजंक्ट में देंगे या कॉम्बिनेशन में देंगे तब हमारे पास जो रिक्वायर्ड डोज होगी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की वो इन कंपैरिजन
कम होगी क्योंकि हमारे पास जो ल्यूकोट्रीन मॉडिफायर्स है वो रिक्वायर्ड डोज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की डिक्रीज करवा देते हैं। अब ल्यूकोट्रीन मॉडिफायर्स, आई होप कि ल्यूकोट्रीन मॉडिफायर्स क्लियर है, एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ। ल्यूकोट्रीन मॉडिफायर्स क्या करते हैं हमारे पास? ल्यूकोट्रीन मॉडिफायर्स जो है वो ल्यूकोट्रीन का जो रिलीज है उसको प्रिवेंट करवाते हैं। तो अब ल्यूकोट्रीन का जब रिलीज प्रिवेंट हो जाएगा तब होगा क्या, अस्थमा कैसे ट्रीट होगा? तो अस्थमा के अंदर हमारे पास जो अब हमने पढ़ा कि अस्थमा के अंदर एयरवे के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, तो एयरवे के अंदर अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है तो उसका क्या मतलब है हमारे पास कि जो पेशेंट है वो प्रॉपरली हमारे पास सांस नहीं ले पा रहा, और उसका एयरवे के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन का हमारे पास वन ऑफ द कॉज है कि जो ब्रोंकियोल्स है उसके अंदर हमारे पास ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाती है या फिर हमारे पास ब्रोंकाइटिस हो जाती है। तो अगर हमारे पास किसी एलर्जी की वजह से या फिर हमारे पास किसी जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से या फिर किसी भी रीजंस की वजह से हमारे पास इन्फ्लेमेशन हो गई है हमारे ब्रोंकियोल्स की, जिसकी वजह से अस्थमा हो रहा है पेशेंट को, तो उस इन्फ्लेमेशन जो इन्फ्लेम्ड टिश्यू होता है वो क्या करता है हमारे पास ल्यूकोट्रीन को रिलीज करवाता है। और जो ल्यूकोट्रीन होता है वो जब रिलीज हो जाता है वो क्या करता है, फर्दर ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है, यानी कि ब्रोंकियोल पहले इन्फ्लेमेशन की वजह से हमारे पास नैरो हो चुका है और हमारे पास ल्यूकोट्रीन क्या करेगा, फर्दर उसको नैरो करवा देगा, जिसकी वजह से जो अस्थमा है वो और भी ज्यादा सिवियर हो जाएगा या क्रॉनिक हो जाएगा। तो अब ल्यूकोट्रीन मॉडिफायर्स क्या करेंगे, ल्यूकोट्रीन मॉडिफायर्स ल्यूकोट्रीन का जो रिलीज है उसको स्टॉप करवा देंगे। तो जब हमारे पास ल्यूकोट्रीन का रिलीज स्टॉप हो जाएगा तब हमारे पास क्या होगा, हमारा जो अस्थमा है उसकी ट्रीटमेंट हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास क्या होगा कि ल्यूकोट्रीन रिलीज नहीं होगा, ल्यूकोट्रीन रिलीज नहीं होगा तो फर्दर जो ब्रोंकोडायलेशन है वो नहीं होगी। अब ल्यूकोट्रीन मॉडिफायर्स के अंदर हमारे पास स्पेसिफिक जो एजेंट आता है दैट इज ज़ोल्यूटॉन और मोंटेल्यूकास्ट। अब मोंटेल्यूकास्ट और ज़ाफिरोलूकास्ट जो है
इन कंपैरिजन टू ज़ोलेडॉन हमारे पास लॉन्गर एक्टिंग एजेंट्स हैं, वंस इन अ डे हमारे पास डोज दी जाती है, और हमारे पास मोंटेलुकास्ट जो एजेंट है वो हमारे पास ज़्यादा इफेक्टिव है। जो ज़ाफरलुकास्ट है ये हमारे पास लिवर के अंदर टॉक्सिसिटी कॉज कर सकता है या इन्फ्लेमेशन कॉज कर सकता है, इसकी वजह से ज़ाफरलुकास्ट जो है वो कम यूज किया जाता है। सो दीज वर द ल्यूकोट्रीन मॉडिफायर्स। अब ल्यूकोट्रीन मॉडिफायर्स के अलावा हमारे पास और भी क्लासेस ऑफ ड्रग्स हैं जो अस्थमा की ट्रीटमेंट के अंदर यूज की जा सकती है, जैसे कि हमारे पास एंटी हिस्टामीन्स यूज की जाती है। अब एंटी हिस्टामीन्स जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती अस्थमा की ट्रीटमेंट के अंदर, लेकिन हमारे पास क्योंकि हमारे पास अस्थमा के अंदर हिस्टामीन के अलावा बहुत सारे मीडिएटर्स जो है वो रिलीज होते हैं, जैसे कि प्रोस्टाग्लैंडिंस है, ल्यूकोट्रीन्स है, लेकिन फिर भी हमारे पास जो एंटी हिस्टामिनर्जिक एजेंट्स हैं वो लास्ट रिजॉर्ट की तरह पे हमारे पास यूज़ किए जाते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा। इसके अलावा हमारे पास कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जो है वो दिए जाते हैं अस्थमा के ट्रीटमेंट के अंदर। अब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जो होते हैं वो हमारे पास हार्ट डिसीजेस के अंदर नेसेसरी होते हैं। जिन अस्थमा के पेशेंट्स को हमारे पास हार्ट डिसीज है उन पेशेंट्स के अंदर हमारे पास कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दिए जाते हैं। अब जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं ये क्या करते हैं, हमारे पास जो एक्सरसाइज इंड्यूस्ड हमारे पास अस्थमा ब्रोंकोस्पैज़म्स होते हैं या फिर एलर्जन इंड्यूस्ड ब्रोंकोस्पैज़म्स होते हैं उसके प्रिवेंशन के अंदर हेल्प करते हैं। सो दीज वर द एजेंट्स दैट आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा। अब जब हमने अस्थमा के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था तब हमने पढ़ा था कि अस्थमा हमारे पास तीन टाइप्स का होता है, एक्यूट अस्थमा, क्रॉनिक अस्थमा और स्टेटस अस्थमैटिकस। तो अभी डिपेंडिंग अपॉन कि हमारा जो पेशेंट है उसको किस टाइप का अस्थमा है तो कैसे हमारे पास मैनेजमेंट की जाती है अस्थमैटिक पेशेंट्स की, तो सबसे पहले जो हमारे पास एक्यूट अस्थमा, अगर कोई पेशेंट हमारे पास एक्यूट अस्थमा का है तो उनके अंदर हमारे पास बीटा एड्रेनर्जिक एगनिस्ट जो है जो कि हमारे पास ब्रोंकोडायलेटर्स का वर्क करते हैं वो हमारे पास ड्रग ऑफ चॉइस होते हैं इन एक्यूट अस्थमा। जो हमारे पास बीटा एड्रेनर्जिक एंटागनिस्ट है वो एगनिस्ट है ये करते हैं हमारे पास, ये ब्रोंकोडायलेशन करवाते हैं और हमारे पास सिम्टोमेटिक जो हमारे पास रिलीफ होता है जो अस्थमा का अटैक होता है उसके अंदर हमारे पास जो सिम्टम्स आते हैं उनका जो रिलीफ है वो हमारे पास बीटा एड्रेनर्जिक एगनिस्ट की हेल्प से हो जाता है और हमारे पास मिनिमल साइड इफेक्ट्स आते हैं बीटा एड्रेनर्जिक एगनिस्ट के। और जो सिवियर केसेस होते हैं उनके अंदर हम एड्रेनालिन या टर्बुटालिन जो है उसको सबक्यूटेनियस इंजेक्शन दिए जाते हैं और हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है थेरेपी की वो डिपेंड करती है कि हमारे पास जिस पेशेंट को अस्थमा है उसको किस फ्रीक्वेंसी से ब्रोंकोस्पैज़म होते हैं। अब बीटा एड्रेनर्जिक एगनिस्ट के अलावा हमारे पास अमीनोफाइलिन जो ड्रग है वो दी जा सकती है कॉम्बिनेशन के अंदर बीटा एड्रेनर्जिक एगनिस्ट के। उसके अलावा हमारे पास जो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स है वो हमारे पास लेस इफेक्टिव है लेकिन हमारे पास एज ए लास्ट रिजॉर्ट अक्यूट अस्थमा के पेशेंट्स के अंदर हमारे पास कॉम्बिनेशन में इप्राट्रोपियम जो है वो बीटा टू एगनिस्ट के हमारे पास कॉम्बिनेशन के अंदर दिया जा सकता है। अब एक्यूट अस्थमा की ट्रीटमेंट के बाद हमारे पास नेक्स्ट जो अस्थमा आता है दैट इज क्रॉनिक अस्थमा। अब क्रॉनिक अस्थमा के अंदर हमारे पास क्रॉनिक अस्थमा की अगर ट्रीटमेंट करनी है तो हमारे पास स्पेसिफिकली इन्फ्लेमेशन जो होती है इन्फ्लेमेशन की ट्रीटमेंट के अंदर हमारे पास फोकस किया जाता है। तो इन्फ्लेमेशन की ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स या ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो है वो हमारे पास मेजर एजेंट्स आते हैं। उसके अलावा हमारे पास बीटा टू एगनिस्ट प्रिस्क्राइब किए जाते हैं ताकि हमारे पास ऐसे एजेंट्स दिए जाते हैं जो कि हमारे पास इओसिनोफिल्स और हमारे पास जो केमिकल मीडिएटर्स हैं उनका रिलीज स्टॉप करवा दें। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट जो टाइप ऑफ अस्थमा है दैट इज अस्थमा अगर हमारे पास किसी प्रेग्नेंट लेडी या फिर किसी हार्ट पेशेंट्स के अंदर हो जाए तो प्रेग्नेंट वुमेन या फिर हार्ट पेशेंट्स के अंदर हमारे पास सिमिलर ट्रीटमेंट है। हमारे पास क्या होता है बीटा टू सिलेक्टिव एगनिस्ट हमारे पास प्रेफर किए जाते हैं इन केस ऑफ हार्ट पेशेंट्स और प्रेग्नेंट लेडीज और उनके अंदर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जो है वो प्रेस्क्राइब किए जाते हैं। और
प्रेग्नेंट वीमेन के अंदर हमारे पास जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है वो भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं होते, तो हमारे पास ग्लूकोकॉर्टिकॉइड भी दिए जा सकते हैं अगर हमारे पास जो अस्थमा का अटैक है वो क्रॉनिक हो जाए। नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट टाइप का अस्थमा, दैट इज स्टेटस अस्थमैटिकस। अब जो स्टेटस अस्थमैटिकस होता है उसके अंदर हमारे पास सिवियर या और सस्टेन्ड अटैक होता है हमारे पास अस्थमा का, जिसकी वजह से हमारे पास जो सिम्पटम्स, जो हमारे पास सबसे पहली ड्रग है जो हमारे पास ब्रोंकोडायलेटर्स हैं या सिम्पैथोमिमेटिक हमारे पास ड्रग है अमीन्स हैं वो हमारे पास यूज नहीं की जाती और हमारे पास मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है स्टेटस अस्थमैटिकस के पेशेंट्स के अंदर। डिस्पनिया हो जाता है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, साइनोसिस हो जाता है, डिहाइड्रेशन कॉज हो जाती है, हमारे पास रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होने के चांसेस होते हैं ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हमारे पास पेशेंट जो है उसकी एग्जॉस्टन हो जाती है, उसके अलावा हमारे पास जो ब्रोंकियल ट्री होता है हमारा उसके अंदर रिफ्रैक्टिवनेस आनी स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास उस पेशेंट के अंदर बीटा टू एगोनिस्ट दिए जाते हैं, एमिनोफ्राइलिन्स दिए जाते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दिए जाते हैं और उसके अलावा हमारे पास इन पेशेंट्स के अंदर सिडेटिव्स दिए जाते हैं, डायजेपाम या फिर फिनोबारबिटॉन, और उसके अलावा हमारे पास इन पेशेंट्स के अंदर ऑक्सीजन थेरेपी दी जाती है। ऑक्सीजन थेरेपी के अलावा हमारे पास रिहाइड्रेशन और एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं ताकि हम इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सकें। सो दिस वॉज द ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा। अब अस्थमा के ट्रीटमेंट के अंदर हमने अभी एजेंट्स कवर करे, हमने मेजर हमारे पास 5 क्लासेस हैं जो कि अस्थमा के अंदर ट्रीटमेंट के अंदर यूज होती हैं। अब इन 5 क्लासेस में से जो मेजरली हमारे पास यूज्ड एजेंट्स हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा हमारे पास किस पेशेंट को कैसा अस्थमा है, हमारे पास ब्रोंकोडायलेटर्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स, ल्यूकोट्रिएन मॉडिफायर्स और मिसेलेनियस एजेंट्स यूज किए जाते हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेजल डीकंजेस्टेंस के बारे में। Thank you.